नमस्कार। आज हम कुछ विशेष असंतत यादृच्छिक चरों के विषय में बात करेंगे। यह कुछ ऐसे यादृच्छिक चर हैं जो कुछ भौतिक विषयों की परिकल्पनाओं में हमारे सामने बार बार आते हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम भौतिक विज्ञान, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ सकते हैं। इसलिए इन यादृच्छिक चरों के विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक है। ऐसा पहला यादृच्छिक चर है बर्नौली यादृच्छिक चर अथवा बर्नौली रैंडम वेरिएबल। मान लीजिए हम एक परीक्षण करते हैं जिसके केवल दो ही संभव परिणाम हैं, सफलता एवं असफलता। एक यादृच्छिक परीक्षण है जिसके केवल दो संभव परिणाम हैं, सफलता एवं असफलता। इस यादृच्छिक परीक्षण में सफल होने की प्रायिकता P है एवं असफलता की प्रायिकता 1/P अथवा 1-P है। अब इस परीक्षण पर आधारित एक यादृच्छिक चर W हम इस परीक्षण पर आधारित एक यादृच्छिक चर W परिभाषित करते हैं, जहां परीक्षण सफल होने पर W बराबर है 1 एवं परीक्षण असफल होने पर W बराबर है 0, अर्थात 1 W बराबर है 0। अब इस आधार पर हमने यह यादृच्छिक चर परिभाषित किया एवं इस यादृच्छिक चर का द्रव्यमान फलन, जिसे हमने अंग्रेजी अक्षरों PMF द्वारा प्रदर्शित किया है, इस यादृच्छिक चर का PMF कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, बराबर है W के शून्य होने की प्रायिकता बराबर है P एक घटा P एक होने की प्रायिकता बराबर है सफलता की प्रायिकता बराबर है सफलता की प्रायिकता। अब यह यादृच्छिक चर W जो कि प्रायिकता P से मान 1 एवं शून्य
एक एक बर्नौली यादृच्छिक चर कहलाता है। यह एक बर्नौली यादृच्छिक चर है। यह असंतत यादृच्छिक चरों में सरलतम है। इस बर्नौली यादृच्छिक चर की अवधारणा को ध्यान में रखकर मान लीजिए कि हम W के जनक यादृच्छिक परीक्षण को n बार दोहराते हैं। मान लीजिए कि हम W के जनक परीक्षण को n बार दोहराते हैं। हम यह जानते हैं कि यह परीक्षण हर परीक्षण का परिणाम बाकी सभी परीक्षणों के परिणाम से स्वतंत्र है। हर परीक्षण का परिणाम बाकी सभी परीक्षणों के परिणामों से स्वतंत्र है एवं प्रत्येक परीक्षण में सफलता की है। प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता P है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तथापि असफलता की प्रायिकता 1/P है जो कि प्राकृतिक रूप से हम जानते ही हैं, किंतु फिर भी गणितीय पूर्णता के लिए यह लिखना आवश्यक है। यह भी प्राकृतिक ही है कि यदि हम वह परीक्षण एक से अधिक बार दोहरा रहे हैं, यदि हम वह परीक्षण n बार दोहरा रहे हैं, तो हम परीक्षण n बार दोहरा रहे हैं तो हर बार दोहराए गए परीक्षण का कुछ दोहराए गए परीक्षण का कुछ परिणाम भी होगा। परिणाम स्वरूप कुछ परीक्षणों में हमें सफलता परीक्षणों में सफलता मिलेगी एवं में कुछ में असफलता। अब मान लीजिए के द्वारा इन परीक्षणों में मिली सफलताओं की संख्या को इंगित मान लीजिए मैं x के द्वारा
इन परीक्षणों में मिली सफलताओं की संख्या को अंगित करता हूं, तब यह यादृच्छिक चर x एक द्विपदीय अथवा बाइनोमियल यादृच्छिक चर कहलाता है। यह यादृच्छिक चर एक द्विपदीय अथवा बाइनोमियल यादृच्छिक चर कहलाता है। इसे द्विपदीय यादृच्छिक चर क्यों कहते हैं? जैसे जैसे हम इसके बारे में और जानते जाएंगे, हमारे सामने इस नाम का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं केवल इतना कहूँगा कि यह एक द्विपदीय यादृच्छिक चर कहलाता है। अब हम यह देखते हैं कि एक परीक्षण को बार दोहराने पर सफलताओं की संख्या दो बातों पर निर्भर करती है, अथवा दो मापदंडों पर निर्भर करती है। एक वह परीक्षण कितनी बार दोहराया, वह परीक्षण कितनी बार दोहराया गया, एवं दो प्रत्येक परीक्षण में सफलता की यह दोनों मापदंड द्विपदीय यादृच्छिक चर x के मापदंड अथवा x के मापदंड एवं हम यह बताने के लिए कि x एक द्विपदीय यादृच्छिक चर है जिसे एक ऐसे परीक्षण द्वारा को n बार दोहराकर बनाया गया है जिसमें सफलता की प्रायिकता p है, इसे हम सरलतापूर्वक ऐसे लिख सकते हैं कि x बंटित है जहां यह कहता है कि परीक्षण n बार परीक्षण n बार दोहराया गया, प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता p है, यह एक द्विपदीय यादृच्छिक चर को लिखने का अथवा यह बताने का कि हम एक ऐसे द्विपदीय यादृच्छिक चर की बात कर रहे हैं सरल तरीका है। अब हम द्विपदीय यादृच्छिक चर के प्रायिकता बंटन फलन की बात करते हैं। इस के किसी आई शून्य से एन के बीच लिए एक्स का
प्रायिकता बंटन फलन इस प्रकार लिखा जाता है, बराबर है प्रायिकता x बराबर i बराबर है n सी आई यह, जहां जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में देखा है एन सी आई को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अब इस प्रायिकता बंटन फलन की वैधता जांचने के लिए हम इसे एक बार फिर से लिखते हैं। यदि हम एक को जहां हमें प्रत्येक दोहराव पर पी से सफलता प्रायिकता एक घटा पी से है तो सफलताओं और के क्योंकि सभी परीक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो सफलताओं और असफलताओं के किसी भी अनुक्रम की प्रायिकता उस अनुक्रम के सभी अवयवों के गुणा की प्रायिकता होगी, अर्थात यदि हमारे पास एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें i सफलताएं एवं n घटा i तब यदि हमारे पास एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें i सफलताएं एवं n माइनस i असफलताएं हैं तब ऐसे तब ऐसे अनुक्रम की प्रायिकता कैसे अनुक्रम की प्रायिकता p घात i गुणा 1 माइनस p घात n माइनस i होगी, यह सरल है। अब यह दिखाना सरल है कि n परीक्षणों में के फलस्वरूप कुल 2 घात n ऐसे अनुक्रम हो सकते हैं।
एन परीक्षणों के फलस्वरूप, दो घात एन ऐसे अनुक्रम हो सकते हैं जहाँ की हम यह कह सकते हैं कि एक अनुक्रम ऐसा भी हो सकता है जहाँ सभी सफलताएं हों, एक अनुक्रम ऐसा हो सकता है पहली सफलता उसके बाद सभी असफलताएं, एक अनुक्रम ऐसा हो सकता है कि एक सफलता एक असफलता एक सफलता एक असफलता, ऐसे कुल एन अनुक्रम हो, दो घात एन अनुक्रम हो सकते हैं सभी असफलताओं का एक अनुक्रम, ऐसे कुल एन अनुक्रम, दो घात एन अनुक्रम हमारे पास हो सकते हैं जिनमें से एन चूज आई एन सी आई अनुक्रम जिनमें हमें आई अर्थात हमें आई सफलताएं मिलने की प्रायिकता, हमें आई सफलताएं मिलने की प्रायिकता आई सफलताओं वाले सभी अनुक्रमों की का जोड़ होगा जो कि यह हमें आई सफलताएं देने वाले सभी अनुक्रमों की प्रायिकता का जोड़ है जो कि इस द्विपदीय यादृच्छिक चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन भी है। आगे बढ़ते हैं और एक सरल उदाहरण लेते हैं। यदि n बराबर है 4 एवं i बराबर है 2, तब दो सफलताओं अर्थात उस परीक्षण को 4 बार दोहराने पर दो सफलताएं। अब यदि हम सफलता को 1 द्वारा और असफलता को 0 द्वारा इंगित करते हैं जैसा हम पहले कर चुके हैं, तब हमारे पास यह 4 में से 2 सफलताओं के निम्न संभव समीकरण बनते हैं। 1 पहली 2 सफलताएं, उसके बाद 2 असफलताएं, यह सरल है। 2 असफलताएं 2 सफलताएं, यह भी सरल है। 1 सफलता 1 असफलता 1 सफलता 1 असफलता 1 असफलता एक सफलता एक फिर एक असफलता फिर एक सफलता यह अंत में यह एक सफलता 2 सफलताएं 1 सफलता। हम यह देख सकते हैं कि इस परीक्षण को 4 बार दोहराने पर 2 सफलताएं देने वाले यह 6 संभव अनुक्रम हैं एवं 4c2 बराबर है 6, जैसा कि हम छोटी कक्षाओं में कई बार देख चुके हैं। अब x जो कि बराबर है में 6 यह यहां यह देखना भी आवश्यक है, हम यह भी समझ सकते हैं कि अथवा यह भी एक ली W को हम W एक द्विपदीय यादृच्छिक चर जिसका कि n 1 के बराबर है के रूप में लिख सकते हैं। अब छोटी कक्षाओं में पढ़े गए द्विपदीय प्रमेय का प्रयोग करके हम कुछ दिलचस्प सिद्ध करेंगे, अथवा यह सरल ही है किंतु फिर भी हम यह सिद्ध करेंगे। यह
हम यह सिद्ध करना चाहते हैं। अब हम यह देख सकते हैं कि यह बराबर है आई जाएगा शून्य से एन एन सी आई पी आई एक माइनस एक घटा पी एन घटा आई। अब क्योंकि हम जानते हैं ए जमा पी घात एन बराबर है जोड़ आई शून्य से एन एन सी आई ए आई, यह हमने 11वीं कक्षा में अथवा छोटी कक्षाओं में देखा है। इस प्रमेय का सीधा सीधा प्रयोग करते हुए यदि हम ए को पी रखें बी को एक घटा पी रखें, हम यह कह सकते हैं यह बराबर है आई शून्य से एन यह बराबर है, अथवा सभी प्रायिकता द्रव्यमान फलनों का जोड़ एक होगा, प्रायिकताओं का जोड़ एक है जिसकी कि हम अपेक्षा करते हैं। अब द्विपदीय यादृच्छिक चरों के कुछ गुणधर्मों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले द्विपदीय चरों का एनवा आघूर्ण प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम निकालेंगे प्रत्याशा अथवा प्रत्याशित मान x घात n। हम यह देख सकते हैं x घात n का प्रत्याशित मान होगा i शून्य से अनंत i घात n एवं बराबर है i घात शून्य से अनंत i जाएगा शून्य से अनंत i घात n यह क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमने n इस द्विपदीय यादृच्छिक चर का एक मापदंड है इसलिए हम n के स्थान पर k का प्रयोग करेंगे। k हम इसका kवां आघूर्ण प्राप्त करेंगे एवं हम यह लिख सकते हैं कि इसका kवां आघूर्ण कुछ इस प्रकार दिया जाएगा। अब क्योंकि आई शून्य से एन के बीच ही रह सकता है इसलिए आई बराबर है शून्य से एन आई के यह आई बराबर शून्य के लिए यह शून्य ही होगा, अथवा हम आई बराबर शून्य को छोड़ सकते हैं आई बराबर एक से एन, क्योंकि आई बराबर शून्य के लिए यह शून्य होगा आई घात के यह बराबर है जोड़ i घात के एन सी आई पी घात आई एक माइनस एक घटा पी घात यह, जो कि हम देख चुके हैं। अब हम कुछ और करेंगे, इसे मैं लिख सकता हूं जोड़ के घटा एक गुणा आई इसे मैं इस रूप में लिख सकता हूं। अब इस भाग पर ध्यान देते हुए हम इसे अलग से सरलीकृत करेंगे आई गुणा बराबर है आई यह सरल है। अब यह बराबर है आई गुणा
यह सरल है, यह कटने पर यह बराबर है n साथ, मैं यह लिख सकता हूं 1 से n यह आगे बढ़ते हुए इसे मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं p जोड़ i बराबर है 1 से n i घात k माइनस 1 अब हम परिभाषित करते हैं j i माइनस 1 तब यह बन जाएगा np j जाएगा 0 से n j प्लस 1 j प्लस 1 घात k माइनस 1 n माइनस 1 j p j यह भी सरल है अब हम एक अन्य यादृच्छिक चर y को परिभाषित कर सकते हैं अब हम एक अन्य यादृच्छिक चर y को परिभाषित कर सकते हैं y द्विपदीय n माइनस 1 और p के साथ y एक द्विपदीय यादृच्छिक चर है n माइनस 1 और p के साथ तब मैं यह देख सकता हूं कि यदि मैं एक यह प्राकृतिक है कि y जमा 1 भी एक यादृच्छिक चर ही होगा अब यदि मैं y जमा 1 का k माइनस 1 वां आघूर्ण यदि मैं y जमा 1 का k माइनस 1 वां आघूर्ण लेता हूं तब यह अर्थात जो कुछ हमने अब तक सिद्ध किया था बराबर है यह सरल है अब हमने एक द्विपदीय यादृच्छिक चर k में आघूर्ण के लिए एक सरल समीकरण प्राप्त कर लिया है अब हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे इस समीकरण के सरलतम प्रयोग द्वारा हम यह देख सकते हैं यह अर्थात यदि हम एक ऐसे परीक्षण को जिसमें सफलता की प्रायिकता p है और हम ऐसे परीक्षण को n बार दोहराते हैं तब हमारे पास उन n बार में से सफलताओं की प्रत्याशित संख्या NP होगी यह सरल है अथवा यह हमारी सहज बुद्धि
द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह गणितीय सूत्र हमारी सहज बुद्धि द्वारा प्राप्त उस नतीजे को एक प्रकार से पक्का करता है कि यह सहज बुद्धि द्वारा सरल है या अथवा यह हमारी सहज बुद्धि से मेल खाता है। तो इसलिए यह सरल है एवं यह ठीक है कि ऐसे एक परीक्षण को जिसमें प्रत्येक बार सफलता की प्रायिकता पी है, एन बार दोहराने पर सफलताओं की कुल प्रत्याशित संख्या एन पी ही होगी, यह सरल है। अब आगे बढ़ते हुए यदि हम एक्स घात दो के प्रत्याशित मान की बात करें, तब हम यह देख सकते हैं यह होगा जो कि यह होगा अर्थात यह अब यह x के वर्ग का प्रत्याशित मान होगा। अब x के वर्ग के प्रत्याशित मान में हमारी उतनी रुचि नहीं है, हमारी रुचि इस बात में है कि x का प्रसरण क्या होगा अथवा फैलाव क्या होगा। तो हमने यह देखा था कि प्रसरण x बराबर है x वर्ग का प्रत्याशित मान घटा x के प्रत्याशित मान का वर्ग, यह हमने पहले सिद्ध किया था। इसके प्रयोग द्वारा हम यह कह सकते हैं यह 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 भी सरल है। अब क्योंकि एक बर्नौली यादृच्छिक चर W के लिए हम यह कह सकते हैं प्रत्याशित सफलता की प्रत्याशित संख्या उस प्रायिकता के बराबर है सहज, एवं प्रसरण W बराबर है। अब हम यहाँ रुकते हैं, कल हम बर्नौली एवं द्विपदी यादृच्छिक चरों के अन्य गुणधर्मों की बात करेंगे। धन्यवाद।